उत्तर प्रदेश के मेरठ में पूर्व पार्षद राम किशन ने पुलिस पर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। दरअसल मामला यह है कि राम किशन के पर्ची को थाना ब्रह्मकुमारी में 151 में चालान किया जा रहा था, तभी पूर्व पार्षद राम किशन थाने में पहुंचे और अपने दमखम पर लड़के को ले जाने की बात करने लगे। तभी दरोगा विनोद कुमार ने कहा कि इसका चालान काट दिया गया है और आप इसे नहीं ले जा सकते, इसका जमानत करा लो। इस बात को सुनते ही पार्षद जी गुस्से में आ गए और भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लिया। थाने में पहुंचे भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाने में हंगामा कर दिया और दरोगा को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। मामले में सीओ अखिलेश भदौरिया ने दरोगा को तुरंत लाइन हाजिर कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पर भाजपा कार्यकर्ता वापस लौटे। उसने मेरे साथ मारपीट करी है और ये कहा कि तेरे बाप का थाना बाहर निकल और गिरवान पकड़ के मेरे में लाख हो जाइए। पीछे पे एक लड़के को धमकी से उठाकर ले आए थे। मैंने पूछा भी क्यों क्या मैटर है, तो उन्होंने कहा 151 में चलान कर दिया। मैं ठीक है 151 में चलान कर दिया, जमानत करा लेते हैं। क्या नाम था लड़के का? राजकुमार। कहाँ का रहने वाला है? धमकी का। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे मुँह को सूझ रहा है क्या भैया, उन्होंने मेरी पिटाई करी। मैं पिटाई क्यों करी भाई, किसने पिटाई करी ये बताओ। पिछले बात कहते हैं दरोगा जी आए, उन्होंने नेतागिरी कर रहा है, नेता बन रहा है थाने में से तेरे बाप का थाना रूट से माँ बहन की गाली बकी है और जुबान पढ़ के मेरे में लात बजाइए। राजस्थान जयपुर रामपुरा में भू माफियाओं ने बीते दिनों खूब आतंक मचाया। हथियारों से लैस बदमाशों ने एक खेत की खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि जिस खेत की फसल को नष्ट की गई है उस पर पीड़ित दुर्गा प्रसाद ने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। पीड़ित ने जब भू माफियाओं को रोकने की कोशिश की तो भू माफियाओं ने रिवाल्वर से हवाई फायर कर दिया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। दरअसल रामपुरा में जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में दूसरे पक्ष के लोगों ने हथियार और लाठी के सहारे 812 में खड़ी फसल को नष्ट कर दिया, जबकि सांबर तहसीलदार के आदेश पर पत्थर गड़वाई गई थी। उसके बाद 28 जून 2018 को रामू बनाम प्रहलाद के नाम से हाई कोर्ट से स्टे लिया गया था, बावजूद ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट कर दिया गया। फिलहाल पीड़ित दुर्गा प्रसाद शर्मा ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराकर न्याय की मांग की है। जो अगसा रोजिना ही पुलिस वाला आवचर दम क्या दिया से माये फसल रुला दिया और रोजिना टंडर 20 जना से जो 200 आदमी खड़ा है पुलिस तलवार यार पिस्तौला ले लिए और मार रहा से परेशान कर रहा से नरतु रोजिना दम क्या दिया से आटा पर बनाया तो उन्हें मांग माले पिस्तौला चलाया से लुगाया के माले भी पिस्तौला चलाया से आदमी तो पता नहीं रहेगा। अगसार से जो मन परेशान कर रहा था रोजिना दम क्या देते पुलिस वाला ने कहा तो पुलिस वाला सुनाई कौन करे। मां का मोटियार न लेर जात का मन मारे भी मां का मोटियार है तो छोरा और मोटियार गैस लेगा नहीं इन मन मारता मां का माले ट्रैक्टर चलाता। अगसार से जो कद्दी कौन भाई बाहर तो दम की कौन दो मैं ना आगा अगसार बर्बाद कर मेले से परेशान माई साकिया ने रुला दिया। ट्रैक्टर ले गुंडा ले अच्छा ट्रैक्टर ले रहा है चंडे ट्रैक्टर का आटा भरया तो माले चढ़ा दियो पिस्तौला काटा और हाई कोर्ट को स्टे आयो से स्टे के माले भी स्टे के बावजूद मैं 1,00,000 की फसल ने बागा भरी फसल ने बाहर चलेगा और पुलिस उधर ही कार्रवाई कौन कर रही मैं ओड़ी झाँक रही कौन है। और पुलिस आई तो मां निकाल बन तैयार है कि अंदर कर लिया ला छोरा बोला तो अंदर कर लिया ला बोला जाने अंदर कर दे पिस्तौला चलाया से बंदूक क्या चलाया से और 3 बार 4 बार गुंडा आ चुका रोजिना आठ गुंडा लिया से मैंने 50। नरसिंहपुर विधानसभा के लोकप्रिय भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल ने तहसील करेली के अंतर्गत ग्राम पंचायत रिछिया खमरिया और बिछुआ पहुंचे। इस दौरान प्राथमिक लघु वनोपज समिति केरपानी में मध्य प्रदेश सरकार की तेंदुपत्ता संग्राहक योजना वर्ष 2016 के तेंदुपत्ता संग्राहकों को उपहार स्वरूप महिलाओं को साड़ी एवं पानी की बोतल तथा पुरुषों को पानी की बोतल दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना संबल के तहत ग्राम बिछुआ में 8,82,000 रिछाई में 9,50,000 तथा खमरिया में 9,14,000 के विद्युत बिल माफ कराए गए। वही पंचायत बिछुआ में लाखों की लागत से बनने वाली 3cc सड़क ई कक्ष का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने कहा कि क्षेत्रवासियों की समस्या को हल करना मेरी पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार घर घर विद्युत कनेक्शन पहुंचाएगी, सभी गरीबों के पक्के मकान बनाए जाएंगे ताकि वर्ष 2022 तक मध्य प्रदेश को झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त किया जा सके। इस दौरान वन विभाग का संपूर्ण अमला सहित हजारों की तादाद में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जी द्वारा वन विभाग में जो हमारे ऐसे हितग्राही हैं जो तेंदुपत्ता और महुआ ने गुली वगैरह बीनने जाते हैं उनके लिए मतलब लेने की योजना रखी गई है, चरण पादुका योजना है और उसके तहत हमारी जो मातृशक्ति में चप्पल जूता और बाटल और हमारी एक साड़ी भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा अन्य कई योजनाओं को लाभ यहाँ पट्टी भी प्रदान किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना द्वारा बिछुआ ग्राम में यहाँ 8,82,000 के बिजली के बिल माफ हुए हैं और अन्य गांव में भी रिछे में 9,50,000 के हुए हैं, 9,14,000 के हमारे खमरिया में हुए। ऐसे प्रत्येक गांव में भी मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना द्वारा भी बहुत सारी
जो विद्युत संबल योजना उनके बिजली विद्युत मंडल के द्वारा बिजली की बिल माफ की है और घर घर बिजली पहुंचाने का सौभाग्य योजना के जरिए ऐसे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, इसलिए यात्रा विकास। पंजाब के मुखिया मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जहानखेला में नए बैच के पास होने वाले ट्रेनरों को पुरस्कृत करने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जहानखेला को 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इस दौरान सीएम ट्रेनरों की परेड का निरीक्षण किया और बाद में उनसे सलामी ली। इसके साथ ही बैच में पास होने वाले उन जवानों को सम्मानित किया जिन्होंने ट्रेनिंग के दौरान बढ़िया कार्रवाई को अंजाम दिया था। इस अवसर पर पुलिस के उन अधिकारी को भी सम्मानित किया गया जो ट्रेनरों को ट्रेनिंग देते थे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नौकरी के हिसाब से भी कर्मचारी अफसरों को पदोन्नत के स्टार लगाए। सीएम ने आगे कहा कि उनकी सरकार अभी एक कानून बनाएगी जिसके बाद कोई भी पुलिस कर्मचारी ESI की पोस्ट से नीचे सेवा मुक्त नहीं हो सकेगा। और कुछ में रस्मी तौर पे वो कभी भी लाए नहीं होगा ये मोड़िया जो पर और मैं लोग अफसोस इस बात का है कि आज ये एक जब आया सी मैं पूछा कि इस सर में सोई तो सैंतीस साल हो गए और ASI भी आज आज बढ़े ASI ये बिल्कुल प्लेन सा कि मैं इनके नाम बिल्कुल सैंत थे असीम हो एक नवे रैंक का सिस्टम होएगा कि पहला हेड कांस्टेबल 16 साल में हो 24 साल ASI और 30 साल SI बनेंगे ये हो जाएगी गवर्नमेंट का पैसा है ना कोई भी रिटायर नहीं होगा कि ASI बन चुका तो तुम सारे करना काम करोगे एडवांस एक्सेलरेटेड प्रमोशन कह रहे हैं कि जल्दी प्रमोशन को भी हो सकती है कभी कम पास ये वाइगुरु करे और हमारे समय तुझी ये रोशन पत्र में ऐसा ये मेरा पुलिस का नाम और याद रखो कि जितने तुझी जाओ यार ये इसका चंद्रा तो ऐसा हमने चला रहा है सियास के सामने दिया ये देश के चले वो हर मेरे बराबर है और पंजाब पुलिस का हर मेरे नाम दूसरा। राजस्थान चौमू नगर पालिका अध्यक्ष ने पेयजल समस्या दूर करने गठित 5 पार्षदों की कमेटी कारगर साबित होता नजर नहीं आ रहा है। पार्षदों की कमेटी पेयजल समस्या का निपटारा करने में असफल है, लिहाजा आम जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में अभी कुछ दिनों पहले ही वार्ड नंबर 22 के निवासियों ने जलदाय विभाग में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें भी वहां से सिर्फ आश्वासन ही मिला था। समस्या से परेशान होकर स्थानीय निवासियों ने जलदाय विभाग को घेर कर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित स्थानीय निवासियों ने जलदाय विभाग के कार्यालय में ताले जड़ दिए और चेतावनी दिया कि जब तक वार्ड में पानी की समस्या से निजात नहीं मिलता धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं नगर पालिका उपाध्यक्ष वार्ड वासियों के समर्थन में खड़े दिखे। पानी करवाने पानी की सुविधा पूरी होनी चाहिए, हमारे 4 गाँव में पानी नहीं आ रहा है, 4 साल हो गए अभी की सुविधा नहीं आएगा तो पानी फिर ताला लगेगा। रेगुलर वो जैन साहब से संपर्क कर रहे हैं, जैन साहब से संपर्क कर रहे हैं, बोरिंग खराब हुआ पड़ा है उसके लिए बार बार वो अवगत करा रहे हैं, इसकी सुनवाई नहीं हो रही। वो हर बात के लिए नगर पालिका को दोषी ठहराते हुए हर बात नगर पालिका ऊपर डाल देते हैं और नगर पालिका ने 2 महीने पहले टेंडर करके सभी चीज़ों की मोटर बाइंडिंग हो या लाइन हो सभी की स्वीकृति दे दी, उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो पा रहा। इसके लिए जनता के अंदर और हमारे मेंबरों के अंदर आक्रोश है कि हम सत्ता में होते साथ भी हमारे वार्ड वासियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। राजस्थान के धौलपुर में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में टेम्पो पलट गया। टेम्पो के पलटने से 1 दर्जन लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि हादसे में 1 बच्चे सहित 3 को चोटें आई हैं। चोटिलों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया है। हादसे की चपेट में आए 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीच
कितने लोग घायल हो तुम? उत्तर प्रदेश के बरेली में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। महिला को सरेआम मुंह काला कर क्षेत्र में घुमाया गया। इतना ही नहीं, लोगों ने महिला की सरेआम बाजार में पिटाई भी की। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने प्रेमी से मिलने उसके घर जा पहुंची। प्रेमी की पत्नी ने परिजनों के साथ मिलकर जमकर मारपीट की और महिला व उसके मासूम को सरेआम मुंह काला करके क्षेत्र में घुमाया और उसका वीडियो भी वायरल किया। घटना में बरेली पुलिस पर तमाम तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। फिलहाल इस मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मामला बरेली जिले के थाना विसारतगंज का बताया जा रहा है। हालांकि अभी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उस महिला की तरफ से कोई थाने में तहरीर दी गई है। एक पत्नी द्वारा अपने पति के साथ जो कोई दूसरी महिला रह रही थी उनके ऊपर उन्होंने कई आरोप लगाए एवं उनके साथ बदसलूकी करी। इसके अंतर्गत हमने आज मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन महिला की जिनके साथ ये घटना घटी है उनकी तलाश की जा रही है और उनके द्वारा भी जो तहरीर आएगी और जो मेडिकल के कागज आएंगे उनके द्वारा भी इस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और हमने जो पुलिस की तरफ से जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना विशालगंज में उसमें हमने टीमें बना दी हैं, वो दबिश डाल रही हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना क्या हुआ है? हाँ, इसमें जैसा कि कल जानकारी में आया हमारे कि जो पूर्व जो पत्नी थी उसने अपने पति के साथ किसी और महिला के रहने की जब उसे जानकारी हुई तो उन लोगों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जिसमें कोई भीड़ भी थी, कई लोग भी शामिल थे, जिसकी हमने वीडियो और फोटोग्राफी हमने करा ली है और उनकी उनके नामजद करके उनके पता लगाया जा रहा है कौन लोग हैं इसमें। और जिन लोगों ने अभद्रता की है और ये गलत व्यवहार किया है उनके साथ कानूनन सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इसमें कठोरता से उनके साथ उनके व्यवहार उनको पुलिस उनके ऊपर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई।